हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। सर कोरा से नंबर मिला आपका। हाँ जी। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, नेल नेल सोरियासिस, सिर्फ नेल अच्छा में है सर। सर, नेल का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं? पर एक सोरायसिस ठीक होता है स्किन का, तो नेल का भी होना ही चाहिए, तो जगह ही चेंज है। जी सर, तो फिर आपने क्या, पानी कितना पीते हैं आप? पानी तो मैं बहुत पीता हूँ सर, दिन में बस बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। पानी कम कर दो। हाँ जी, बताइए कितना पानी पीते हैं। सर मैं दिन में कोई 4 लीटर पीता हूँ। चाय कितनी पीते हैं? चाय मैं पीता नहीं सर, और लिक्विड्स में क्या लेते हैं? जूस, दूध, बटर जूस मिल्क, कभी कभी पी लेता हूँ, और कुछ खास नहीं पीता। कोकोनट वाटर पीता हूँ। रेगुलर है कोकोनट वाटर? नहीं रेगुलर नहीं है सर, कभी कभी वीक में 2-3 बार और लिक्विड्स में कोई ड्रिंक फ्रूट्स वगैरह खाता करते हूँ हैं? बस। नहीं फ्रूट्स नहीं रेगुलर सर, है? फ्रूट सर हाँ, हफ्ते में 5 बार होते कितना होता है एक बारी में फ्रूट? थे। एक एक छोटी प्लेट सर। एक छोटी प्लेट करीब कितना, आधा किलो, हाँ एक पाव? नहीं हाँ सर, एक पाव आधा किलो के बीच में। और कर्ड वगैरह? कर्ड वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिए सर 15 दिन से सब कुछ। 15 दिन पहले क्या ले रहे थे? हाँ वो यही, ये 15 दिन पुरानी बता रहा हूँ सर डाइट आपको। नहीं, कर्ड आप कह रहे हो ना, 15 दिन पहले बंद किया, तो हाँ हाँ सर, कितना पहले लेते पहले थे डेली? एक बाउल लेता था डेली। नहीं सर, हफ्ते में 3-4 बार पानी खाली पेट लेते थे? पानी खाली पेट भी लेता था, और खाना खाने से आधा घंटा पहले पीता था। खाने के साथ नहीं पीते थे? खाने के साथ नहीं कभी पिया पानी। और क्या आपका हाइट वेट क्या है? हाइट मेरी 5'8" है सर, और वेट मेरा 74 होगा ठीक है। सर। और कोई इश्यू हेल्थ की इसके अलावा? नहीं सर, कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है इसके अलावा। मैं इसीलिए सर बैंगलोर आया हुआ था, यहाँ पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसके वो लिए मैं कहाँ से आए हैं? सर जम्मू कश्मीर। अच्छा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं नेल सर, 4-5 नेल्स खराब हो गए मेरे, 5-6। एज कितनी है आपकी? 32। उसके अलावा कुछ नहीं है इश्यू? उसके अलावा तो कोई इश्यू नहीं ये है। पंचकर्मा का क्या सिस्टम होता है यहाँ पर? क्या चार्ज करते हैं लोग कितना? हाँ सर, चार्ज करते हैं सर मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये? कितने दिन का प्रोग्राम है? 15 दिन का तो अभी कितने दिन हुए आपको? बस सर, हो गया 15 दिन। तो लग गए 50-60 हज़ार रुपये? वो तो सर मिल जाएंगे, वो CGHS में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में दे देते हैं वो। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जी जी सर, तो अभी आपको कितना आराम मिला 15 दिन में? थोड़ा सा रिलीफ है सर मतलब वो, ठीक हो क्योंकि रहा है? पेट, हाँ पेट मेरा साफ हो गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्योंकि उन्होंने वो विरेचना और वो वगैरह बस्ती वगैरह उसमें कराया, तो उसमें इंटेस्टाइन और वो पेट साफ हुआ, तो कुछ मतलब नहीं होता थोड़ा उससे, बहुत कुछ नहीं नहीं होता होता। उससे। 10-5 दिन का आपको ऊपर ऊपर से लगता है, जैसे आपके नाखून में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। नहीं अभी तो कोई इतना खास फर्क नहीं है। जब आप 15 दिन के लिए पानी कम करोगे ना, हाँ सर, तो 50% ठीक हो चुका होगा, अच्छा बल्कि ज्यादा ही हो गया, 60-70% हो गया होगा। ये सब पंचकर्मा वगैरह बेकार है, जितना योगा हाँ कराते हैं सब बेकार की चीजें हैं। द ओनली थिंग इज कि अगर आप पानी कंट्रोल करोगे। ये क्या सर, ये क्या मतलब, ये माइथोलॉजी क्या है पानी की, मतलब क्यों ऐसा है? सर आप 50, आप कितने लोगों को बताएंगे? आपका बैकग्राउंड क्या साइंस का है? साइंस का ही है सर। हाँ देखिए, ऐसा है कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। हाँ सर, 70% जो पानी होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह होता है, एक ब्लड में, एक सेल्स में, और सेल्स के बीच के स्पेस में। यस सर, ब्लड आपका 10% होता है टोटल फ्लूइड का, 65% सेल्स में होता है, पच्चीस यस परसेंट सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है। जी जी सर, आप जब खाने के साथ पानी पीते हैं, तो वो पानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ठीक सर, उसके बाद लीवर में जाता है, उसके बाद किडनी में जाता है। लीवर आपका जो उसमें बैलेंस करना होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स को बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब इट इंश्योर्स कि इट आगे जो जाएगा वो राइट प्रोपोर्शंस में जाएगा, जी जी सर, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं जाएगा। जी जी सर, और नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी किडनी की। किडनी आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको राइट प्रोपोर्शंस में करता है। जी उसके जी बाद सर, सेल्स, उसके बाद हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है तो सेल्स में जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आपके सेल्स के थ्रू, सेल्स में जो भी चीजें जाएगी इस रूट से, जी सर, वो आपके राइट प्रोपोर्शंस होंगे। बिल्कुल सर,
ठीक है, आप अगर खाने के साथ में पानी नहीं पीते तो वो पानी नहीं जाता। अब दूसरी तरफ क्या सिचुएशन होती है, आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पी लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ स्टमक एसिड वो छोटी आंत में नहीं एब्जॉर्ब होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ दो चीजें एब्जॉर्ब करती है, पानी और विटामिन। बिल्कुल सर। तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू लीवर वगैरह में नहीं जाएगा, लीवर और किडनी में, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, वो आपके सेल्स का फ्लूइड बढ़ा देगा। सेल्स में 65% होता है। बिल्कुल सर। आपके सेल्स में फ्लूइड बढ़ने का मतलब है आपके सेल्स में जितने भी मिनरल्स हैं वो कम हो गए, डाइल्यूट हो गए। ओके। सेल्स में डाइल्यूट होंगे तो उसको पूरा करने की ड्यूटी है आपके ब्लड की। ओके सर। तो ब्लड में वो सारे मिनरल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपका लीवर और किडनी ज्यादा रिलीज करेगा उसको। अच्छा। जब वो ज्यादा रिलीज करेगा तो ज्यादा डिलीवर होंगे आपके सेल्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब आप रोज के रोज ये करते हो सालों के लिए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका ब्लड क्योंकि ज्यादा मिनरल्स और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है तो ब्लड की वॉल्यूम कम होने लगती है। Okay. जब ब्लड की वॉल्यूम कम होती है तो आपको प्यास लगती है, तो प्यास लगने का जो राइट लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन है वो ये है। ओके। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे आपको उतनी ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि वो सारा का सारा पानी आपके सेल्स में जाएगा। तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो मतलब टॉक्सिन्स निकालता है ब्लड में? किसी को रोक थोड़ी सकते हैं आप। मतलब जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ दैट्स साइंटिफिक लॉजिकल, एंड सेकंड सबसे बढ़िया होता है फील्ड ट्रायल्स क्या है, 100 लोग अगर इसको ट्राई करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर उनका मुंह सूखना बंद हो जाता है। अगर डायबिटिक भी इसको ट्राई करते हैं, डायबिटीज का एक ही सिम्टम होता है प्यास लगना। बिल्कुल सर। अगर उसकी प्यास बंद कर दी जाए तो डायबिटीज खत्म है। वो प्यास लगती है, ज्यादा पानी पीता है इसलिए ज्यादा यूरिन करता है, दो ही सिम्टम्स होते हैं, यूरिन एंड प्यास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये और दूसरा आप कह सकते हैं भूख ज्यादा लगती है उसको बार बार। उसका भूख लगने का कारण होता है क्योंकि अब आप इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल पर ले लो कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। आप आटा गूंथते हुए देखा कभी? हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। बिल्कुल। सेकंड चीज क्या होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी होती है एक, जब आप राइट अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे तो वो ठीक से फूलेगा। आप उसको उंगली लगाएंगे मतलब बनने के बाद में तो बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल सर। दैट इज द राइट कंसिस्टेंसी इन द आटा। ठीक है। उस आटे को आप गूंदने के बाद में 1 घंटे के लिए रख दो। बिल्कुल सर। उसके बाद उसमें पानी मिला के दिखाओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही होता है, जब आप खाना खा लिया और आपके स्टमक में प्रोसेस शुरू हो गई, स्टमक एसिड बन गया, आपका पेस्ट बनना शुरू हो गया, हाफ वे में आपका 40-50% काम हो चुका होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब आप पानी पीते हैं उसके बाद में तो वो पानी उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, वो उसमें से भी मेजोरिटी ऑफ दैट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। क्योंकि वो उसकी कंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट हो गई है, क्योंकि स्टमक एसिड और बाकी सब चीजें तो है, नाउ इट इज ओनली टू बी पुश टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके सर। दूसरा क्या होता है कि अगर आप का यही रूटीन रहता है तो सबसे पहले तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो ब्लड सप्लाई खत्म हो गई, तो आपके नाखूनी से एक्सट्रीमिटीज ऑफ योर लिम्स, तो आपका ब्लड सप्लाई बंद हो गया वहां पर। अच्छा। अब जब आप खाने के साथ पानी पियोगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा पानी जो पियोगे। ब्लड वॉल्यूम में बढ़ने के बाद में आपका प्यास लगना बंद हो जाएगा। ओके। और लार्ज इंटेस्टाइन में आप खाली पेट पानी नहीं पियोगे, खाने के साथ 3 गिलास पानी पीना, उसके अलावा नहीं पीना, तो आपके हाँ जी, फिर वो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा वो। अगर खाने के साथ नहीं लेंगे खाने के साथ नहीं लेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। हाँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो आपके सेल्स में जो फ्लूइड था वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मिनरल बैलेंस उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। सो इन दिस प्रोसेस धीरे धीरे करके आपका ठीक हो जाता है। और हम इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं क्या, जैसे आपने कहा सेल्स जो है वो उनका मतलब बैलेंस होने लग जाते हैं? सी, आपकी बॉडी में सेल्स ही है सब कुछ। हाँ सर। अगर सेल्स में मिनरल्स ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ब्लड तो 10% है, ब्लड तो कैरियर है सिर्फ। हाँ सर। वो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब दैट डज नॉट गिव यू एनर्जी, ब्लड डज नॉट गिव यू एनर्जी, ब्लड के जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो मीनिंगलेस। जितना भी मॉडर्न साइंस है उसका जो साइंस है वो जीरो है।
जो सड़क के ऊपर नीम हकीम बैठे होते हैं उसमें और एक फाइव स्टार हॉस्पिटल में कोई डिफरेंस नहीं है. दे रिलाई ऑन द ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल, ब्लड की जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपके सेल्स के अपोजिट होगी. तो okay. उनका जो काम करने का सिस्टम है दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द सिस्टम. अब क्या होता है कि जब आप कुछ बॉडी को कुछ चोट लगती है तो बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम होता है चालू. तो दवाइयों से बंदे इसलिए ठीक होते हैं कुछ हद तक, 2-4-5% जो थोड़े से ठीक होते हैं, क्योंकि उसको एक इमरजेंसी सिचुएशन मिलती है. उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा जाग जाता है. दवाई इज अ काइंड ऑफ पॉइजन टू योर बॉडी, वेदर इट इज आयुर्वेद, वेदर इट इज पंचकर्मा, कोई भी जितना भी आपने प्रोसेस कराया दैट इज अ पॉइजन टू योर बॉडी. क्योंकि आपने पेट से जो भी निकाला है वो आपने झाड़ू मार के निकाला है, बैलेंस करके नहीं निकाला. जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज बैलेंसिंग. आप उसमें जितने भी प्रोसेस आपने 15 दिन में करे, देयर इज अनदर पर्सन हु इज अटेंडेड दिस प्रोग्राम, माय फ्रेंड, ओके, एंड ही सेड कि जो शुरू में उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है, बट आफ्टर 3 मंथ्स इट विल बी लेसर देन व्हाट यू एनरोल्ड इन. जिस समय आप एनरोल हुए थे उस समय जो एनर्जी लेवल था 3 महीने बाद उससे कम होगा. सो योर नेट गेन विल बी माइनस. ओके, एंड यू कैन टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो. अगर आपको डाटाबेस देते हैं आप सबसे बात कर लो एंड दे विल होल्ड बैक देयर डाटाबेस बिकॉज दिस इज बिजनेस ओनली एंड द होल फार्मा इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड विदाउट एनी लॉजिक. पिछले 50-60 साल से 100 साल से दे यूज टू से कि अगर आपको एसिडिटी है तो आपको स्टमक में ज्यादा एसिड बन रहा है. फॉर द लास्ट 5-10 ईयर दे सेइंग कि आपके आपको एसिडिटी है तो स्टमक में एसिड कम बन रहा है. बिल्कुल. एक्जिमा, सोरेसिस एंड ऑल दैट, दे गिव मॉइस्चराइजर्स, दे गिव एंटी हिस्टामिन्स, दे गिव द मेडिसिन टू इंक्रीज योर फ्लूइड. फ्लूइड इंक्लूड, ठीक है. आपके सेल्स में पानी ऑलरेडी ज्यादा है तो उसको कम करने की जगह ज्यादा कर रहे हैं. तो अब वो ज्यादा करने से वो प्रॉब्लम बढ़ती है. कभी लाइफ में कोई भी ना तो सोरेसिस ठीक होता और ना ही एक्जिमा ठीक होता. आई हैव मोर देन 100 पेशेंट्स ऑफ एक्जिमा जो कि 5-10 दिन में ठीक हो जाते हैं. 5 नहीं 6-7 दिन में ठीक होते हैं. और कंप्लीटली क्योर, हाँ जी बिल्कुल, नामो निशान नहीं रहता. आप उसको देख के ये नहीं बोल सकते कि उसको कभी एक्जिमा था जिंदगी में. ओके, एंड अभी रिसेंटली सोरेसिस के भी सेम रिजल्ट, 3-4 लोग है, ज्यादा नहीं है. अच्छा, बिकॉज आई एम नॉट इन मेडिकल प्रोफेशन. आई अंडरस्टैंड सर. तो नहीं, सोरेसिस के रिजल्ट अभी पूरे आए, मतलब 3-4 के भी. 101% देयर इज अ लेडी इन कर्नाटका. ओके, एंड दिस लेडी रिपोर्टेड फ्यू डेज बैक दैट उसको और भी कुछ इश्यूज थे, डायबिटीज भी था, कुछ और इश्यूज भी थे 2-3. हाँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ. एवरीथिंग रिजॉल्व्ड. एंड उसका लास्ट, बेसिकली देर आर सर्टन थिंग्स आई एम, देखिए जो मुझे होप है आई विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय द होल ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन एडवर्ड्स वगैरह में, अभी कुछ शुरू किया है 10-15 दिन पहले, बट जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है. देखिए मैं आपको इसका और बताता हूँ, एक और पॉइंट बताता हूँ. थोड़े दिन पहले, अभी तक तो ये इसको मॉइस्चराइजर वगैरह दे रहे थे, अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा NDTV करके जो वेबसाइट पर आता है एक न्यूज़पेपर टाइप से. सो दे सेड कि अभी फार्मा कंपनीज हैव कम टू रियलाइज कि ये जो एक्जिमा है दिस इज कॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द अल्कलाइनिटी ऑफ द स्किन. अच्छा, इंक्रीज इन अल्कलाइनिटी. ओके, सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड विद एसिड्स. ओके, एंड एसिड्स विल रिड्यूस द फ्लूइड इन द fluid in the skin. Yeah. So they're coming back to this thing, but indirectly, and there also they want to sell something. आप सीधा पानी कम कर दो ना. हाँ, सीधे पानी कम कर दो. पानी के और भी चीजें ऐसी हैं जो non alkaline चीजें खाओ, acidic खाओ. See, आपको मैं दूसरा बताता हूँ, जो acidity होती है, acidity के लिए दे से आज की date में आपके stomach acids weak है. तो कोई एप्पल सिडर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सारे के सारे दुनिया भर के कोई दूसरे एसिड्स बोलता है, वो दवाइयों के बिना चलता नहीं है. और वो सारे के सारे एसिडिक चीजें लेने के बाद भी कोई ठीक नहीं होता. और 24 घंटे के लिए आप पानी छोड़ दो, बिल्कुल जीरो कर दो, और आपका एसिडिटी 80-90% ठीक हो जाता है. लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं होता वो इमीडिएट रिलीफ होता है. परंतु आप इसको सिस्टम को फॉलो करते हो तो महीने 2 महीने में आपका एसिडिटी जीरो हो जाता है. ओके,
और कोई भी आदमी एक पेशेंट दिखा दो जो एसिडिटी का ठीक हो गया हो, इट इज अ परमानेंट बीमारी एज गुड एज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। अभी यूएस से किसी का मैसेज आया है, उसने उसको 10 साल से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर था एंड ही वाज टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट, एंड 3 मार्च को उसने सारी मेडिसिन बंद कर दी एंड ही स्टार्टेड दिस सिस्टम। ओके 11th ही वाज फाइन, उसका ब्लड शुगर गिर गया दवाइयां छोड़ने के बाद। ओके ब्लड शुगर भी गिर गया, ब्लड प्रेशर भी ठीक था, मतलब नॉर्मल रेंज में था। अच्छा 18th को थोड़ा सा इंक्रीज हुआ ब्लड शुगर, नॉट ब्लड प्रेशर। 25th को उसको चक्कर आने लगे। ओके नाउ देयर इज अनदर पर्सन रिपोर्टिंग सिमिलर थिंग एंड बट उसका एक दूसरा इशू था, क्योंकि आपको ब्लड शुगर में तो समझ नहीं आता कि आपका शुगर बढ़ गया, सो यू आर नॉट एबल टू रिलेट कि क्यों बढ़ा। अभी लोगों के अंदर डर ज्यादा है शुगर का, डर उसको कोई और प्रॉब्लम थी उससे। अच्छा। तो उसको नमक पानी से एक दिन कोर्स करा के उसको डिहाइड्रेट कराया एंड अगले दिन से वो ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा। तो ठीक होने के बाद में ही न्यू दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग रिजॉल्व। अब उसके बाद में उसको भी 3-4 दिन के बाद बहुत वीकनेस हो गई एंड ही हैड टू टेक ऑफ फ्रॉम द ऑफिस। 2 दिन रेस्ट किया, उसका वो कंडीशन जो था वो भी ठीक हो गया और जो वीकनेस थी वो भी खत्म हो गई। बेसिकली क्या आपके सेल्स में जो रुकावट हुई हुई है, क्योंकि इन्होंने तो आपके टिश्यूज के ऊपर से धो दिया ना, जो भी आप प्रोसेस इन्होंने किया टॉक्सिन रिमूवल एंड ऑल दैट जो बोलते हैं, सेल्स के अंदर तो घुसे नहीं है। नहीं, सेल्स के अंदर तो नहीं। सेल्स के अंदर घुसने का क्या तरीका होता है कि आप नमक पानी पी लो एक दिन 5-6 गिलास। अच्छा। तो वो सारा का सारा नमक पानी आपके सेल्स के बाहर आ जाता है, टिश्यूज में फैल जाता है। अच्छा, नमक का पानी पीने से सेल्स में फैल जाएगा, सेल्स के बाहर बाहर। अगर आप उसको रेगुलर नहीं करते हो, अगले दिन पानी जीरो कर दो, तो जब पानी की कमी होगी तो आपके सेल्स फ्लूइड छोड़ देंगे। फ्लूइड छोड़ देंगे। तो आपका जो ब्लड होगा, ब्लड में एकदम से आपका फ्लूइड बढ़ जाएगा तेजी से। ओके। और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा वीकनेस होगा, हार्ट की पंपिंग वगैरह इरेगुलर हो जाएगी। 2-1 दिन ये कंडीशन रहती है, फिर ठीक हो जाती है। ओके। बट इफ समबडी इज लाइक, यूजली मैं ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता, तो यूजली मैं बोल देता हूँ 5-6 दिन के बाद में आप पानी कंटेक बढ़ा लो, सो दैट आपका कंफर्ट लेवल भी बना रहे और फिर उसके बाद छोड़ दो। अच्छा। हाँ, बेसिकली जो नमक जब फैलता है ना, और उसके बाद नमक पानी को बिल्कुल जीरो कर दो, हाँ सर, तो आपके सेल्स में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको खींच लेता है। हाँ। तो उस प्रोसेस के अंदर ब्लड शुगर वगैरह थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पर बढ़ता है, अदरवाइज दिस इज अ परफेक्ट क्योर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर कोई इसको कभी कभी भी करेगा तो कैंसर और जितनी भी दुनिया भर की बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी। ओके। इट इज नॉट सिंपल ओनली सोरेसिस और एक्जिमा और एनीथिंग, आपका एसिडिटी हो, माइग्रेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो। अब कॉन्स्टिपेशन में लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, फाइबर, फाइबर जीरो कर दो, पानी जीरो कर दो, पानी और फाइबर का कोई भी लेन देना नहीं है। अच्छा। आपका कॉन्स्टिपेशन 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। ओके। तो मतलब आपका कहने का मतलब है सर, पहले सर आप कितनी देर से ये सर्च कर रहे हैं? मुझे 20 साल होने को आ रहे हैं, 18-19 हो गए होंगे, मेरे सारे काम धंधे बंद हो गए, मैं सड़क पर आ गया। आप रहते कहाँ सर? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। तो अच्छा, मतलब काफी, मतलब 20 साल तो बहुत होते हैं रिसर्च में, तो 20 साल में एक्सपीरियंस भी काफी हो गया होगा, काफी लोगों को मतलब रिलीफ मिला। हाँ, पहले तो ये था कि अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बहुत से, फिर उसके बाद कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के ऊपर ट्राई किया फैमिली। अच्छा। में जैसे फादर को कुछ प्रॉब्लम हुई। अच्छा। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, नहीं बचेंगे, तो हमने फिर डिहाइड्रेशन किया, 24 घंटे 48 घंटे में ठीक होना शुरू हो गए, महीने भर में ठीक हो गए। ये कंसेप्ट आया कहाँ से सर, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का? ये कहाँ से आया? मतलब आपका खुद का वो है, इन्वेंशन है कि मतलब कहीं से आपने सीखा है कुछ? 100% ओरिजिनल है। अगर आप गवर्नमेंट में कुछ भी कहीं पर जोर लगा सकते हैं इस चीज के ऊपर, 100 से ऊपर नोबेल प्राइज मिल सकते हैं। 100 से ऊपर नोबेल प्राइज मिल सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब इन्वेंशन किसकी है, क्या है ये? 110% प्योर ओरिजिनल है। बाकी अभी 2016 का, 2018 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो चोरी का है। अच्छा। दैट इज लूजली बेस्ड ऑन दिस थिंग, बट उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया है, और वो नोबेल प्राइज जो भी है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। सी, जो मेरे पास ओरिजिनल है उसकी वजह से क्या है कि मैं किसी भी चीज को मॉडिफाई करके फटाफट रिजल्ट पे पहुंच सकता हूँ। अच्छा। उनको वो बहुत मैनिपुलेट किया हुआ है, और वो वापिस हो जाने चाहिए सारे के सारे नोबेल प्राइज दुनिया में जितने भी आज तक मिले हैं। नहीं, वो तो बिकॉज दिस इज ऑल यूजलेस। मेडिसिन सिस्टम के ऊपर जितनी भी डिस्कवरी हुई है कम्प्लीटली यूजलेस है। और बिसाइड्स नोबेल प्राइज, अगर कहीं से फंडिंग मिलती है
मैं 6 महीने के अंदर प्रूव कर दूंगा दिस इज परफेक्ट इलाज फॉर कैंसर, डायबिटीज और ये क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह का दुनिया से एकदम से जड़ से खत्म कर देंगे। हार्ट डिसीज का कोई कारण नहीं है, इसका किसी भी तरीके के ऑयल से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके आप जितना मर्जी ऑयल लो, जिस मर्जी एज तक लो, कुछ नहीं होता। ओके तो अब साइकिल सबके लिए सेम ही है, मतलब ये जो डिहाइड्रेशन का नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ लोगों को सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से आराम मिल जाता है, कुछ लोगों के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो आपका डिहाइड्रेट करना होता है वो डिहाइड्रेट करने के बावजूद भी सेल्स पानी नहीं छोड़ते हैं, तो उसको नमक पानी यूज करना पड़ता है। ओके और नमक पानी कितना करना है कितना नहीं करना है उसको थोड़ा सा वेरी करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो जरा सा कुछ होते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, उसको यू हैव टू स्लो डाउन। एंड सम पीपल आर सो स्ट्रांग कि वो कुछ भी होता रहे वो करके पूरा करके करते हैं उसको खत्म। तो जो मतलब जैसे जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनको एट द फर्स्ट मेडिसिन ड्रॉप करनी होती है या स्लोली स्लोली विड्रॉल लेना होता है? सी इसमें मेडिसिन में जो सबसे सीरियस मेडिसिन होती है वो है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली डायरेटिक्स होती हैं जो डिहाइड्रेट करती हैं। आप डिहाइड्रेशन के साथ में इस डिहाइड्रेशन को कर लो तो वो एक्सेसिव हो जाता है। ओके एंड ब्लड प्रेशर के केस में बहुत केयरफुली धीरे धीरे पानी कम करना है और धीरे धीरे मेडिसिन कम करनी है। ओके अदरवाइज बाकी सबके लिए एक ही सेम प्रोसीजर है। हाँ हाँ मतलब आप ये सोच लो 5 साल से क्या 2 साल से पैदा होने के बच्चे से लेकर ये 100 साल के बूढ़े तक के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके दे आर पीपल एट द एज ऑफ 80-85 ट्राइंग दिस थिंग एंड गेटिंग परफेक्ट रिजल्ट्स। ओके अब सर मेरे लिए क्या सजेशन है आपके? बस खाने के साथ एक गिलास पानी पियो, कुछ दिनों के लिए प्यास खत्म हो जाएगी, फिर एक दिन नमक पानी पी के डिहाइड्रेट कर देना और ये वॉक एंड रेस्ट करिए। लेकिन जैसे आपने कहा ना डे 1 और डे 2 में 200 ml पानी पीना 2 घंटे में। नहीं नहीं वो आपने अलग से कोरा पर देखा, पुराना आर्टिकल होगा, कोरा प्रोफाइल पर देख लीजिए। अच्छा कोरा प्रोफाइल, प्रोफाइल ही खोला था मैंने आपका, प्रोफाइल में नहीं होगा डे 1 डे 2 का। एक मिनट सर वो टॉपिक ही घूम गया आपका। ये सर आईडी क्या था इसमें कोरा में? rajendra.bhalla@gmail.com। मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको अपना प्रोफाइल वगैरह का लिंक सब भेज देता हूँ इसी मोबाइल पर। आपका व्हाट्सएप है ना इस पर? हाँ मिल गया सर मुझे। अब आप क्या बोल रहे हैं माय ब्लॉग कहाँ खोलना है नया वाला? नहीं इसी के ऊपर नीचे लिखा होगा, इसको व्यू मोर करके अच्छा, देख लीजिए अच्छा, नीचे अच्छा। तो इसी में लिखा होगा सो देट इसको अपडेट एक जगह करना आसान है। तो ओवर ए पीरियड तो आपने यही लिखा है सर डे 1 एंड 2 ड्रिंक 200 ml वाटर एवरी 2 आवर वॉक एंड रेस्ट रूटीन फॉर पीक और। ये ब्लड प्रेशर के लिए लिखा है या किसके लिए लिखा है? ये सर आपने लिखा है करंटली द सजेशन फॉर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल आर। सी उसमें क्या होता है कि ये जो 2 आवर्स का लिखा हुआ है वॉक एंड रेस्ट का लिखा है, दे आर सम पीपल जो कि बहुत कम पानी पी रहे हैं। ओके तो दो एक दिन के लिए अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो वो भी कवर हो जाते हैं। कि अगर कोई नहीं भी मतलब मेरे को कॉन्टेक्ट करता है, जैसे आपका तो सीधा सीधा बात होगी आप ज्यादा पानी पी रहे हो, हाँ तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर रिडक्शन। अब कोई पहले से 2 गिलास पी रहा हो पूरे दिन में और वो इसको फॉलो करे तो थोड़ा दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए जो भी मेडिकल के प्रोटोकॉल्स है उसको भी डाल रहा हूँ सो दैट एटलीस्ट मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आए। आप चार ली रहे हैं, अगर इसको भी फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा डिले हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है अभी सर वो वाला कौन सा आप नया वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लिंक कहाँ पे है जहाँ पे आप बोल रहे हो मेरे लिए जो आप बोल रहे हो नमक पानी के लिए? नहीं नहीं आप मेरे को बोल रहे हो ना कि आप ये मत करो फॉलो, दूसरा वाला करो नया वाला जो मैंने अपडेट किया है। नहीं नहीं यही है बेसिकली इस, आप सीधा सीधा कर लीजिए ना, आपसे तो बात हो ही गई तो आप हाँ। सीधा 3 दिन के लिए पानी एक एक गिलास करके 3 मील के साथ ले लीजिए, बाकी खत्म कर दीजिए। तो और कभी मुंह ज्यादा सूखे तो एक घूंट पानी पी लीजिए, तो 3-4 दिन में आपको स्लाइवा आना शुरू हो जाएगा। रादर आपको हो सकता है कि इस एज में यंग एज में तो 1-2 दिन में ही फर्क पड़ जाए। अच्छा मतलब पहले 3 दिन सिर्फ मील्स के साथ पानी पीना? हाँ जी एंड नो अदर लिक्विड, नो टी हर्बल वगैरह कुछ नहीं, नो कर्ड नो मिल्क प्रोडक्ट्स, कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए इसके अलावा, ना ही फ्रूट होनी चाहिए। ओके खाने के बाद ना? नहीं नहीं पूरे दिन में सिर्फ पानी और रोटी, रोटी में स्टेपल जो होता है ना जो एकदम रॉ होता है कि आपका व्हीट रोटी हो गई चावल हो गया हाँ। उस टाइप की चीजें और जो भी आपका सब्जी दाल वगैरह होता है नॉर्मल खाना हाँ, उसके बाद पानी पीना ना? नहीं नहीं साथ साथ जैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं तो गिलास रख लीजिए
दो दो तीन तीन घूट लेते रहिए बीच बीच में। अच्छा 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 मतलब एक एक वो खाया, एक वो पानी पिया, फिर साथ है ना एक नहीं खाना। थोड़ा सा खा लिया, आधी एक रोटी समझ गया, मतलब एक ग्लास खत्म करना है एक मील के साथ। आटे में जब गूंथते हैं ना तो उसको थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एक साथ नहीं डालते। हाँ 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 आपका लॉजिक बड़ा खतरनाक है वैसे। ट्राई करता हूँ मैं क्या बनता है। तो ये 3 दिन मतलब ये 3 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद आप चाहें तो चौथे दिन आप बिल्कुल पानी जीरो कर दीजिए, या फिर एक दिन थोड़ा सा बढ़ाकर दूसरे दिन जीरो कर दीजिए। जीरो तो करना पड़ता है। अच्छा फिर मतलब 1 दिन जीरो कर देना पानी। आपको कंफर्ट लेवल क्या लगता है थर्ड डे, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका फिर भी प्यास लगे जा रही है आपको, तो फिर एक दिन नमक पानी पीना पड़ेगा। नमक अच्छा पानी जब पीते हैं तो 1/4 स्पून होगा, छोटा चम्मच 1/4 स्पून पानी में डाल लीजिए नमक का, व्हाइट नमक का। तो उससे अच्छा बहुत से लोग होते हैं बहुत पानी पीते हैं पर बॉडी में वो लगता नहीं है किसी तरीके से, सेल्स को हाँ सेल्स तक नहीं जा पाता, तो सेल्स इतने ज्यादा स्वेल्ड अप होते हैं। ओके ये अब कैसे पता लगेगा कि नमक पानी पीना है कि नहीं पीना है। आपको प्यास लगेगी अगर 3 दिन बाद भी, अगर बल्कि आपको 2 दिन बाद भी अगर प्यास लगती है, कोई भी रिडक्शन नहीं होता, तो नमक पानी पीना पड़ेगा। अच्छा और अगर 3 दिन में कोई फर्क नहीं दिखता तो नमक पानी पी लो, चौथे दिन नमक पानी पी लो। हाँ नहीं पहले भी पी सकते हैं आपके यंग, सी यंग एज वाले तो सुबह शुरू करते हैं, शाम तक बोलते हैं कि उनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया, प्यास लगनी बंद हो गई। ओके तो अब फिर उसके बाद मैं अगर 4 दिन जैसे नमक नमक पानी पी लिया 4th डे, तो 5th डे बिल्कुल बंद पानी हाँ पीना। जी हाँ जी। और फिर भी कितने दिन कंटिन्यू करना है। मुश्किल से लाइफ भर कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच बीच में ना हफ्ते 10 दिन में एक दिन पानी बढ़ा लिया करिए, सो दैट अगर कोई डिहाइड्रेशन वाला एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाए। आप 2-2.5 लीटर एक दिन पानी पी लीजिए हफ्ते में, दैट विल बी गुड इनफ। रेस्ट ऑफ द टाइम दिस इज गुड इनफ। तो सर जो आपने मतलब जो सोरियासिस के पेशेंट आपने ट्रीट किए उनको मतलब 10 दिन में रिजल्ट आ गए थे। सी देयर वाज अ लेडी जो मैं बता रहा हूँ 42 ईयर्स के लड़की आसपास एज थी, एंड उनको वॉक एंड रेस्ट भी करना था। शी वॉज नॉट दैट रेगुलर इन वॉक एंड रेस्ट, एंड जो उन्होंने ये किया था हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, तो 15 दिन के अंदर 70% रिलीफ था। तो दैट अच्छा पिक्चर्स ऑल्सो शी शेयर विद मी, तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। अभी जो लेटली अभी बात हुई है, शी सेड कि इट्स ऑलमोस्ट गॉन, इट्स 95% और सो, सो शी शी सेड कि आई विल शेयर द पिक्चर्स वंस इट्स 100% गॉन। ये लेटेस्ट है इसको, 90% उसने कितने दिन में बोला। ये था करीब जनवरी में कांटेक्ट हुआ था, तो नहीं शायद जनवरी से पहले हुआ था, अक्टूबर शायद।